हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। अच्छे क्या हैं, सुबह सुबह बहुत ही गड़बड़ हो गई थी, बट अभी सुनने में आया कि ठीक है सब। और मेरी भी तबीयत ख़राब है क्योंकि 8वें मंथ में इतना ज़्यादा पेन होना सही नहीं है, पर क्या करें, पेन हो रहा है। अभी कुछ दिन तो ऐसे चलेगा। और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, ठंड भी बहुत है। तो अभी दोपहर शाम के बज गए हैं 4, और सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, मतलब ब्लॉग वगैरह शूट करने का। अभी मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ, एक अन्न का दाना भी नहीं खाई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया, रोटी तक नहीं खाया। सुबह से बस मैंने चाय पी रखा है और 2-3 बार पानी पिया, क्योंकि पेट भी ना अजीब अजीब से दर्द हो रही है, तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। और हॉस्पिटल जाने से डर लगता है कि कहीं जो है डॉक्टर ये ना बोल दे कि मतलब वो कर दे, क्योंकि बहुत लोग के 8वें मंथ में डिलीवरी करवा देती हैं, तो डर बहुत ज़्यादा है मुझे। इसी डर की वजह से नहीं जा पा रही हूँ। जितना मेरे से दर्द सहन हो रहा है उतना मैं सहन कर रही हूँ, आपको मेरे फेस से लग रहा होगा। और यहाँ दांत दर्द भी नहीं सही हो रहा है कि दांत इतना दर्द क्यों हो रहा है, पर ठीक है, ये टाइम है, निकल जाएगा। और जब कुछ पाना होता है तो कुछ खोना भी ज़रूरी होता है, तो माँ बनना इतना आसान नहीं है। माँ बनने के लिए क्या क्या झेलना पड़ता है, वही सब कहते हैं ना, अपने माँ बाप कहते हैं, सही कहते थे। मम्मी जब कहती थी तो मुझे लगता था कि ऐसे कहती हैं, छोटे थे तब नहीं समझ में आता था, बट अब बड़े होने के बाद समझ में आता है। तो डॉक्टर ने बोला है कि मोमेंट्स का ध्यान रखना कि कितना मोमेंट हुआ, और अगर आपको 1-1.5 घंटा मोमेंट्स नहीं होते हैं तो आपको दिखाना चाहिए। तो मोमेंट्स मुझे थोड़े थोड़े देर में हो जा रही है, और वो बोली हैं कि 8 से 9 बार ऐसे पता चले कि मोमेंट्स हो रहे हैं, तो मोमेंट्स हो रहे हैं। और किक भी एक आध बार ऐसे बोला ना कि मतलब ऐसे कहीं आके ऐसे सीना, मतलब ऐसे सर सा पता चल रहा है कहीं आके ऐसे, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो गया ना तो ऐसे पता चल रहा है कि हाँ यहाँ आके रुका है, यहाँ ऐसा उसको छूने के बाद वहाँ से हट जा रहा है। तो अभी मैंने पानी गुनगुना करके लाया था, और पापा ड्यूटी गए थे, हस्बैंड ड्यूटी गए थे, मुझे नहीं पता चला क्योंकि रात में मैं बहुत मतलब रात तक जगी, अकेले घूमती रही, बट हस्बैंड को नहीं जगाई क्योंकि इनको सुबह ड्यूटी जाना रहता है, फिर ये रात में आते हैं 8 बजे, फिर शाम को आते हैं 8 बजे, फिर उसके बाद दुकान पे चले जाते हैं, तो टाइम नहीं होता है। तो इसलिए मैं किसी को परेशान नहीं करती, पूरी रात अकेले परेशान होती रहती हूँ किसी को भी। इतना दिन हो गया मैं पूरी रात अकेले जगती हूँ, बट किसी को नहीं कभी ऐसा। बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम होती है तो 10-5 मिनट के लिए जगाती हूँ, फिर उसके बाद बोलती हूँ आराम से सो जाओ। तो मामा की, मेरे मम्मी और ससुर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, सारे ने बोला कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो पूरी फैमिली मेरी काम से भाग के आई, मतलब जॉब से। पापा भी आए, हस्बैंड भी आए, अंकल अम्मा और मम्मी सारे भर के हॉस्पिटल गए हैं, और मुझे अकेला छोड़ दिया, जो कि मुझे इस टाइम में अकेला नहीं रहना है बिल्कुल। डॉक्टर बोली हैं कि मतलब कभी भी दर्द हो आपको तो आप तुरंत आओ, तो वो लोग डेली तो चले जाते हैं। हमने कहा वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं भी दर्द सह सकती हूँ, तब तक मैं सहूँगी। मैंने खुद बोला कि जाओ। और अभी तो मेरी ननद है घर पे, बाबू है और मामा की लड़की हैं, ये लोग हैं घर पे, तो देखते हैं क्या होता है। मैंने बोला खुद कि चले जाओ, देखाओ भाई, ज़रूरी है जब पास में है तो वो चीज़ें करना ज़रूरी होता है। तो वो लोग गए वहाँ पे, 5-6 लोग गए हैं गाड़ी भर के, 1-1.5 घंटा यहाँ से लगता है जो हॉस्पिटल है, वहाँ से आने में 1.5 घंटा। सारे बोल रहे हैं कि इतना दूर गए हैं तो उनको आने में टाइम लगेगा, ऐसे टाइम पे नहीं छोड़ के जाना चाहिए था तुमको। तो हमने खुद भेजा है क्योंकि मेरा खुद मन था जाने का, पर सब कहते हैं ऐसी हालत में वहाँ नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग एक्सपायर होते हैं, बहुत लोग निकलते हैं। तो मैं बोली चलो ठीक है, आप लोग ही चले जाओ। और मम्मी रो रही थी, हम भी रो रहे थे, सारे रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। और वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि नहीं, ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत ठीक है बट उतना ठीक नहीं है। तो इस टाइम पे ना
वो समझो मतलब पीछे पूरा जो पीठ है ना पूरी दर्द हो रही है, पेट दर्द हो रहा, कुछ भी नहीं खाए। वो तो बोलो प्रेगनेंसी में इतना टाइम तक मैं बिना भूखे भूखे हूँ, और ऐसा मन भी नहीं हो रहा कि कुछ और खा लूँ, तो अभी कुछ नहीं खाने का मन हो रहा। देखो बिस्तर में बैठे हूँ, कोई नहीं निकल जाएगा ये टाइम भी। तो अभी थोड़ा सा अगर आराम होगा तो मैं चाय बनाऊंगी और थोड़ा सा चाय पीऊंगी, नहीं तो मामा की लड़की उनसे बोलूंगी कि वो बना दे। तो देखते हैं क्या होता है, मेरे से बोला ही नहीं जाता किसी को ये काम कर दो। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। अगर मैं थोड़ा कुछ खाती पीती हूँ या फिर कुछ करती हूँ तो मैं आपके शेयर करूँगी। वैसे तो 4 बज चुके हैं और देखो ऐसे लग रहा है जैसे मैं कितना खा रखी हूँ, पेट एकदम टाइट सा हो रखा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे प्यार दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू। कम नहीं हो रहा है, एक साइड टाइट होके दर्द हो रहा है। टाइम हो गया 5 बज गए, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। यहाँ पे दर्द हो, टाइम हो रहे हैं 7:30 बज गया है और अभी मैं जूस पी के आई हूँ। और मेरा मन था थोड़ा सा कुछ बाहर का खाना चटपटा, बट मैंने कुछ भी नहीं खाया और बस जूस पिया मैंने कैरेट का और कुछ भी नहीं। फिर घर पे आई हूँ तो ये देखो चाय पत्ती लगाया हुआ है, तो उसको मैं पीऊँगी फिर आपसे मिलती हूँ। अभी वो लोग आए नहीं हैं, पापा वगैरह आ गए हैं, बाकी मम्मी वगैरह नहीं आई हैं, तो ये फिर से जा रहे हैं उन लोग को लेने। तो देखो क्या होता है, मेरी तबीयत ख़राब थी, आप मुझे देखने नहीं आए, आप मुझे देखने नहीं आए। चलो आप कैसे हो? ठीक हूँ मैं। आप कहाँ थे? आपके पास। मैं बुला रही थी तो आप बोले थे मैं चुन नहीं रहा हूँ, मैं नहीं चुनूंगा। क्यों बोल रहे थे? क्यों बोल रहे थे मैं नहीं चुनूंगा? उतली है। उतली है क्यों? कौन है? कौन है यहाँ पे? यहाँ पे कौन है? भाई है। कैसे आपको पता है भाई है यहाँ? दीदी एक भाई है, दीदी नहीं है, है। भाई है, भाई है? हाँ। किसने बताया? उतली बताया। उतली बताया। ये मत पेड़ पे मार रहे हो, बैठ जाओ। बंदा बच्चा अपनी मम्मी को मारता है, बंदा बच्चा। आप सही कह रहे हो। बाबू कैसे गाते हैं पतली कमरिया? सुना मैं सुनाओ, गा के और डांस करके दिखा दूंगा। हाँ पहले सुनाओ, सुनाओ कैसे सुनाते हो, कैसे सुनाते हो? हाँ?
गुस्सा हूँ। जगह नहीं, वहां कहाँ जा रहे हो?